हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फैक्टराइज। ठीक है, यानी कि इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करने हैं। आई होप आपने फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वीडियो देख ली होगी। तो इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो दिया है हमें 12x² + 7x + 1। तो इसमें क्या करें, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा फर्स्ट के कोफिशेंट का और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, जो क्या होगा 12। फिर 12 का हम करेंगे फैक्टर, वो क्या होगा 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, है ना। तो अभी किसको प्लस या माइनस करने पर 7 आ रहा है, तो अगर 3 + 4 करें हम तो 7 हो जाएगा। 3 + 4 करते हैं तो 7 हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक किया, 12x² + 3x + 4x + 1। तो हम देखेंगे हमारे पास दो पैर बन गए। पहले पैर में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, और क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा 4x। इधर से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इधर +1। नेक्स्ट पैर में जो पहले वाले का साइन है, पहले टर्म का साइन है, वो साइन लेंगे हम। क्या कॉमन आ रहा है अब दोनों में से, देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन, जब 1 कॉमन लिया तो अंदर की टर्म सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से आ रहा है 4x + 1 कॉमन। अभी जो ब्रैकेट के बाहर बचा है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3x + 1। ठीक है, तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट दिया है हमें कि 2x² + 7x + 3। पहला स्टेप क्या था कि फर्स्ट का कोफिशेंट और लास्ट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट का कोफिशेंट 2, कांस्टेंट है 3, तो 3 × 2 = 6। नेक्स्ट स्टेप 6 के फैक्टर करेंगे, 1 × 6 और 2 × 3, दो फैक्टर हो जाएंगे। और भी कुछ फैक्टर हो सकता है, नहीं होगा। तो किससे 7 आ सकता है, तो अगर हम 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 × 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम फैक्टर करेंगे 2x² + 6x + x + 3। दो पैर बन गए हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, पहले में पैर में इसका कॉमन आया 2x, तो अंदर क्या बचेगा x। नेक्स्ट इधर से 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3। नाउ सेकंड पेयर में से फर्स्ट टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस ले लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लेंगे कॉमन, 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x + 3। अभी क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 कॉमन आ गया, तो बाहर क्या बचा 2x + 1, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दे रहा है हमें 6x² + 5x - 6। तो क्या है, ये 6 और ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 कितना होता है 36। 36 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 × 36, 2 × 18 और 3 × 12 और 4 × 9, ओके, और 6 × 6, है ना, जो हमने निकाला था। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा 5x किस फैक्टर की हेल्प से आ सकता है। तो देखेंगे हम, तो ये देखिए, अगर हम 9 में से 4 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है, 5, है ना, क्योंकि हमारा साइन भी माइनस का ही है, यानी ये जो माइनस है तो ये भी माइनस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -36 होगा। तो क्या हो जाएगा इधर, 6x² + 9x - 4x - 6, सही है ना। 9x में से 4x जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x आएगा ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो पैर बन गए हैं, तो दो पैर बन गए तो दो पहले पैर में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखें हम 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है।
ठीक है, जिसको कॉमन लेना नहीं आता ना वो क्या करेगा, दोनों का एच सी एफ निकाल लो, है ना। जिसको कॉमन नहीं मिलता है ना, जो कॉमन, जिसको कॉमन लेने में दिक्कत होती है वो क्या कर लेगा, एच सी एफ निकाल लेगा दोनों को। सिक्स का क्या हुआ, टू, थ्री आ गया, वन बचा। नाइन का क्या हो सकता है, थ्री थ्री या नाइन, अभी क्या होगा, टू मल्टीप्लाई थ्री और थ्री मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, थ्री। इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, जिसको नहीं आता है वो समझ ले, जिसको आता है वो अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, थ्री एक्स जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, टू, टू थ्री या सिक्स, और क्या बचेगा, एक्स। इधर से हमने क्या कॉमन लिया, थ्री, तो अंदर क्या बचेगा, थ्री। एक्स क्योंकि हमने कॉमन ले लिया इसलिए नहीं लिखेंगे। सेकेंड पेयर में से फर्स्ट टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है दोनों में से टू, क्योंकि दोनों ही टू की टेबल में आते हैं ना। जब हमने माइनस टू कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, माइनस फोर एक्स में से माइनस टू कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा टू एक्स, ठीक है। याद रखना, जब भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स। सिक्स में से हमने टू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, थ्री, लेकिन किसका बचेगा, वो प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अभी कॉमन लेंगे टू एक्स प्लस थ्री, अभी जो ब्रैकेट के बाहर रह गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो आप लोग सॉल्व करके बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताइए, ठीक है। और जिसको नहीं आता है, करने के बाद भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैथमेटिक्स की लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें ये एग्जाम्पल भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, और इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी क्वेश्चन नंबर फाइव की, जो कि है क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, हम वो करना सीखेंगे उसमें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये फैक्टर करना आपके लिए सिंपल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।